जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस दोहे के जरिए संत कबीर ये कहते हैं कि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, उनका जाति से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उनके ज्ञान का मोल कीजिए, उनकी ज्ञान की अहमियत होती है। लेकिन यूपी में मामला कुछ अलग है। यहाँ खुद को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री को ना सिर्फ अपनी जाति पर घमंड है, बल्कि वो इस जातीय घमंड को जायज तक ठहराते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जब ये पूछा गया कि आपके बारे में जब ये कहा जाता है कि आप राजपूतों यानी ठाकुरों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या आपको दुख होता है? इस सवाल के जवाब में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उससे आप खुद सुनिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए, ये बात वो शख्स बोल रहा है जो भगवाधारी है। ये बयान उस आदमी का है जो खुद को सांसारिक मोह माया से दूर बताता है। ये जातिवादी बयान उस नेता का है जो यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा है। कभी राज होते तो योगी से सबक लेते हुए लिखते, जाति ही पूछो साधु की, मत पूछिए ज्ञान। क्योंकि योगी जैसे साधु संतों की जाति भी होती है, उनका धर्म भी होता है और उनकी राजनीति भी होती है। ठाकुर अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी को खुद के ठाकुर होने पर घमंड है। वो ये तक कहते हैं कि मेरी जाति में तो उनके भगवान भी पैदा हुए हैं, यानी मेरी जाति सबसे अच्छी है। खुद भगवान इस जाति का प्रमाण पत्र लेने के लिए आतुर है। यानी यहाँ योगी आदित्यनाथ एक आदमी को उसके जन्म के आधार पर छोटा बड़ा बताने वाली घटिया जातिवादी व्यवस्था को सही ठहरा रहे हैं। ठाकुर अजय सिंह बिष्ट को जाति में कोई समस्या नजर नहीं आती, उनके लिए जाति गर्व की बात है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जाति की समस्या ने हमारे देश का कितना नुकसान किया है और कैसे जाति ने हमारे देश को हजारों टुकड़ों में बांट रखा है। उन्हें उस पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता जो दलितों पिछड़ों ने जाति के नाम पर सही है। उन्हें हाथरस की बेटी का दर्द समझ नहीं आता जिसके साथ उन्हीं की जाति के हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उनकी पुलिस ने उसे आधी रात में किस तरह से पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। उन्हें आगरा के अरुण वाल्मीकि का दर्द भी समझ नहीं आता। उन्हें असंख्य सफाई कर्मियों की उस पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता जो बिना मास्क और सेफ्टी इक्विपमेंट के गहरे नाले में और सिवरेज में उतरते हैं। योगी को वो दर्द महसूस नहीं हुआ जो उनके राज में यूपी के दलितों ने सहा है। वैसे योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद कोई नई बात नहीं है। वो जिस तरह से खुद के ठाकुर होने पर सामंती और जातिवादी सोच को जाहिर करते हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी सरकार के दौरान काम भी किए हैं। उन्होंने भर भर कर ठाकुर अफसरों की नियुक्तियां भी की हैं। दिसंबर 2021 में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 26% डीएम ठाकुर जाति से हैं, ब्राह्मण जो है वो 11% हैं और डीएम की संख्या अगर दलितों के लिहाज से देखें तो महज 5% हैं, जबकि सिर्फ 1 DM यादव जाति से है। 2% से भी कम आबादी वाले ठाकुरों के 26% डीएम योगी ने बना दिए। लेकिन अखिलेश यादव पर यादववाद का आरोप लगाकर यूपी में यादव डीएम की फेक न्यूज फैलाने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी और पीयूष बेवेले जैसे पत्रकार योगी के ठाकुरवाद पर क्रांति नहीं करते। अखिलेश को यादवों का नेता और मायावती को दलितों की नेता कहने वाली मीडिया योगी को ठाकुरों का नेता नहीं कहती। उन्हें योगी के अंदर का जातिवाद और प्रशासन में फैला ठाकुरवाद नजर नहीं आता। दलित पिछड़े नेता जब अपनी जाति के दबे कुचले लोगों के उत्थान की बात करते हैं, उनकी हकमारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो मीडिया और सवर्ण ओपिनियन मेकर्स उन्हें जातिवादी घोषित कर देते हैं
उन पर जातिवाद करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब योगी जैसे लोग खुलेआम अपनी जाति के नाम पर घमंड करने की बात करते हैं, जाति देख देख कर अफसरों की नियुक्तियां करते हैं, जाति देख देख कर सरकारी सुविधाओं की बंदर बांट करते हैं, तब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। यूपी के सीएम से कोई पूछे कि आप पहले योगी हैं या ठाकुर, तो मुमकिन है वो यही जवाब दें कि मैं पहले ठाकुर हूं और बाद में योगी, क्योंकि उन्हें अपनी जाति पर गर्व है और वो बाकी लोगों से भी ऐसा गर्व करने की बात करते हैं। योगी जाति पर घमंड करने की बात करते हैं, वो जाति के विनाश की बात नहीं करते, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात नहीं करते। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले ठाकुर अजय सिंह बिष्ट बाबा साहब को पढ़ते लिखते नहीं है, क्योंकि अगर वो बाबा साहब के विचारों को समझते तो वो जाति के विनाश की बात करते। अपनी पुस्तक जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जाति व्यवस्था नस्लों का विभाजन नहीं करती, जाति व्यवस्था एक ही नस्ल के लोगों के बीच सामाजिक विभाजन करती है। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जाति के प्रति है, उसकी वफादारी उसकी जाति तक ही सीमित है। आप जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जाएगा उसमें दरार पड़ जाएगी, वो कभी साबुत नहीं रह सकता। मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। बाबा साहब जाति के खात्मे की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ का आरएसएस जातीय समरसता की बात करता है। योगी जैसे आरएसएस वाले कहते हैं कि जातियां बनी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी जातियां आपस में मिलजुल कर रहें, यानी जातियां जो हैं वो बनी रहें, लेकिन इस तरह की वैमनस्यता ना हो, मिलजुल कर रहें, जिस जाति का जो काम है वो जाति अपना काम करती रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दलितों के घर जा जाकर खाना खाकर यही संदेश तो देते हैं कि दलित दलित बना रहे और ठाकुर ठाकुर, वो ऐसे समाज की बात नहीं करते जहां कोई जाति ना हो। अब यहां एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या जाति पर घमंड या फिर गर्व करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाति को एक बीमारी कहते थे और जाति को मानने वाले लोगों को वो मानसिक बीमार कहते थे, यानी जाति एक वायरस की तरह है जो उसकी चपेट में होता है, वो दूसरों को भी संक्रमित कर देता है। बाबा साहब के इन विचारों के संदर्भ में अगर हम देखें तो जाति पर घमंड करने का कोई कारण नहीं है। भला कोई बीमारी पर भी घमंड करता है? अगर आज के दिन कोई कहे, आपसे कहे कि मुझे गर्व है, मुझे कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित हर व्यक्ति को अपनी बीमारी पर, अपने वायरस पर गर्व करना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मानसिक बीमार हैं, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आजकल बहुत से दलित पिछड़े भी तो अपनी जाति पर गर्व करते हैं और उसे जाहिर भी करते हैं, वो प्राउडली अपनी जाति को बताते हैं या लिखते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? यहां मैं आपको एक फर्क समझाना चाहता हूं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी जाति के साथ स्वाभिमान को जोड़ता है तो असल में वो जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहा होता है, क्योंकि हजारों साल से उसको जाति के नाम पर ही तो अपमानित किया गया है। यह उसका प्रतिरोध करने का तरीका है, यह उसके विद्रोह की आवाज है। वो ऐसा करते हुए भी खुद को ऊपर और दूसरों को नीचे नहीं मान रहा होता, असल में वो अपनी जाति पर शर्मिंदा होना छोड़ रहा होता है। जिस तरह से जाति पर घमंड नहीं किया जाना चाहिए, उसी तरह से जाति पर शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो पीड़ित व्यक्ति उस शर्मिंदगी को असल में छोड़ रहा होता है जो जाति पर घमंड करने वाले लोगों ने उस पर जबरदस्ती लाद दी थी। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति अपनी जाति पर घमंड करने की या गर्व करने की बात करता है, उसके दिमाग में ये बात होती है कि मैं बाकी लोगों से ऊंचा हूं, ऊपर हूं, बड़ा हूं। इसलिए दोनों बातों में बुनियादी फर्क है और ये फर्क आपको समझना चाहिए। जिस इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी ने प्रयागराज कर दिया है, उसी इलाहाबाद के एक मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
कोई सिर्फ दलितों पिछड़ों के दर्द की बात करते ही जातिवादी हो जाता है और कोई खुलेआम जातिवादी कुंठा को जाहिर करने के बाद भी प्रगतिशील बना रहता है। जाति पर गर्व करते हुए जातिवाद को कोसने का जो ये प्रिविलेज है, ये दलितों पिछड़ों के पास नहीं होता। ये विशेषाधिकार भी चंद जातियों के पास ही है, लेकिन उन जातियों के साथ साथ आपके पास भी एक अधिकार है और वो है वोट देने का अधिकार। बाबा साहब ने आपको मताधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करें, सही सरकार चुने। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।